सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने किया था पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन का CDF, प्रूफ किया था एक्सपेक्टेशन, प्रूफ किया था एंड वी आल्सो सॉल्व द कॉमन इंटीग्रल। आज हम लोग करेंगे वेरिएंस कैसे प्रूफ करते हैं। मैंने ऑलरेडी वेरिएंस का फंक्शन लिख लिया इधर। इट्स अल्फा लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ अ पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन। वी आर डूइंग टू पैरामीटर पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप टेबल बुक में देखें सो देर आर टू डिफरेंट पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन, एक है टू पैरामीटर्स का एंड एक है थ्री पैरामीटर वर्ल्ड का। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रूफ करते हैं वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस हम निकालते कैसे? हमने ये चीज़ सीखा है CS1 में। वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज द वेरिएंस। ये हम लोग वेरिएंस ऐसे निकालते हैं। हम लोग के पास ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, हमने ये ऑलरेडी निकाल लिया है। हमें अभी क्या निकालना पड़ेगा? तो द फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहला हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। टेबल बुक में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? इफ़ यू सी द टेबल बुक, टेबल बुक में हमें कुछ ऐसा मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, ऐसा कुछ हम लोग को मिलेगा टेबल बुक में। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला है। हम लोग इससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं वेदर आर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आर की जगह पे टू डाल दो आप, तो आप यू कैन क्रॉस चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। अभी के लिए लेट्स प्रूव एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर विच वी हैव डन द सॉल्व द कॉमन इंटीग्रल। चलो इसको इसका प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसमें कोई शक? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जीरो टू इन्फिनिटी एंड किसका? एक्स स्क्वायर एफ एक्स। एफ एक्स हम लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या है, तो कोई दिक्कत है नहीं। जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एंड वॉट इज एफ एक्स? परेटो का अभी तक आई थिंक एफ एक्स हमें याद हो चुका है। क्या होता है एफ एक्स? एल्फा लैमडा टू द पावर एल्फा होल डिवाइडेड बाय, बोलो, वेरी गुड, लैमडा प्लस एक्स होल टू द पावर एल्फा प्लस वन। करेक्ट करेक्ट। दिस इज द PDF ऑफ अ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। अल्फा लैम्डा टू दी पर अल्फा, क्या इसको हम बाहर ले सकते हैं? बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसको हम बाहर ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या बचा हमारा अंदर? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू दी पर अल्फा प्लस वन। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? न्यूमरेटर में कुछ करना पड़ेगा हमें चेंजेस। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा माइनस वन, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू विद द न्यूमरेटर व्हिच वी हैव? कैन वी सॉल्व दिस एज टेकिंग अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा जीरो से इन्फिनिटी? इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, कुछ स्ट्राइक हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो मैं यही ले लेती हूँ, लैम्डा प्लस एक्स का होल टू द पावर अल्फा प्लस वन। तो ये तो हमारा डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में व्हाट वी कैन डू, क्या आ जाएगा अब, क्या माइनस होगा? टू एक्स लैम्डा एंड माइनस लैम्डा स्क्वायर डी एक्स। करेक्ट है ये? बोलो करेक्ट है, इज इट करेक्ट नाउ? चलो आगे करते हैं सॉल्व। दिस इज वेरी सिंपल,
इसका सॉल्व खुद से भी बिना देखे भी आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टेप? एक पोर्शन तो हमें मिल गया ये वाला, पर इस पोर्शन से हम इसको कैसे डील करेंगे? 2x लैम्डा इसको कैसे तोड़ सकते हैं? सोचो थोड़ा, इसको कैसे तोड़ सकते हो? सो वी कैन राइट दिस एज एक्स प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा. एक्चुअली हम लोग को एक्स प्लस लैम्डा चाहिए ना, बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर. एक्स प्लस लैम्डा क्या बचेगा? और क्या बचेगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? वी हैव दिस माइनस 2 लैम्डा एक्स एंड एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है? प्लस 2 लैम्डा एक्स आ रहे हैं. प्लस 2 लैम्डा एक्स आ रहे हैं, यहाँ पे वी हैव माइनस लैम्डा एक्स. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस लैम्डा एक्स हम लोग के पास है. एक्स्ट्रा टर्म व्हाट वी आर एडिंग इज प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एंड इसमें हम लोग कैसे करेंगे? माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये टर्म हमने ऑलरेडी ले लिया है अंदर, तो क्या बच जाएगा अब बताओ? हमने माइनस लिया है ना, तो इधर प्लस आएगा. एक्चुअली वेट, वी हैव ऑलरेडी टेकन माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर. इधर पे अंदर पे माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर लिया है हमने, तो हमें प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर करना पड़ेगा. तो क्या बचेगा? प्लस लैम्डा स्क्वायर बचेगा. ये तो हमने ऑलरेडी अंदर में ले लिया है ब्रैकेट के अंदर में. सो दिस विल बिकम प्लस लैम्डा स्क्वायर. एक बार देख लो, इज न्यूमरेटर मैचिंग टू दिस? इज न्यूमरेटर मैचिंग? न्यूमरेटर शुड मैच एक्चुअली. इज न्यूमरेटर मैचिंग? करेक्ट है, करेक्ट है. देख लो आराम से. ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा 0 से इन्फिनिटी. फिर अब हम इसको सारे इंटीग्रल्स को अलग अलग ले लें, सारे इंटीग्रल्स को अलग अलग ले लें. सो लेट मी टेक ऑल द इंटीग्रल्स 0 से इन्फिनिटी. क्या हो जाएगा? एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर. इसको हम लोग सीधा काट सकते हैं ना, आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. क्या हो जाएगा ये? एक्स प्लस फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस लैम्डा. सो आई विल जस्ट शो यू ऑल, दिस इज द फर्स्ट. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड इंटीग्रल. सो वील हैव 3 इंटीग्रल्स इन टोटल. ठीक है, वील हैव 3 इंटीग्रल्स इन टोटल. फर्स्ट वाले इंटीग्रल का क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट वाले इंटीग्रल का क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 2. तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 1. पहले वाला सही है, दूसरे वाला? सो वी हैव माइनस आउटसाइड, सो वील टेक अ माइनस. सो वील टेक अ माइनस. दूसरे वाला क्या हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? वी हैव 2 लैम्डा, तो वो तो इंटैक्ट रहेगा. एंड इन द डिनोमिनेटर वील हैव लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर व्हाट? अल्फा प्लस 1 माइनस 1. तो क्या बचा? अल्फा बचा. चलो फटाफट इसको सॉल्व करो. प्लस लैम्डा स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा प्लस 1 dx. देख लो आराम से, आराम से देख लो. आई एम शोइंग द इंटायर प्रूफ एक बार. आई एम शोइंग द इंटायर प्रूफ. देख लो आराम से. ठीक है, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा. अब बताओ कैसे करेंगे? इंटीग्रल्स कर लेते हैं, खोल लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको. दिस विल बिकम
लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर, क्या है ये, ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस वन तो प्लस टू हो गया। इंटीग्रेट करें नॉर्मली, मैं एक और स्टेप नहीं दिखा रही हूँ, मैं इसको आप लोग क्या कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला लेके जा सकते हो एंड देन यू कैन सॉल्व इट। अदरवाइज माइनस अल्फा प्लस वन है, उसमें एक और प्लस वन आ गया, सो इट बिकम्स प्लस टू डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा प्लस टू। ठीक है, तो इसको वील इंटीग्रेट, इसको वील सॉल्व फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, डेफिनेट इंटीग्रल है, क्लियर, डेफिनेट इंटीग्रल है। नेक्स्ट इज टू लैम्डा एंड एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा प्लस वन, माइनस अल्फा प्लस वन, इज इट क्लियर? अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, बिकॉज दिस इज अ सिंपल इंटीग्रल विच वी आर सॉल्विंग, दिस इज अ सिंपल इंटीग्रल विच वी आर सॉल्विंग, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आराम से सॉल्व करो धीरे धीरे। नेक्स्ट वी हैव लैम्डा स्क्वेयर एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा माइनस वन प्लस वन, तो माइनस अल्फा हो गया, माइनस अल्फा, दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, सॉल्व करेंगे इसको। चलो अब इसको सॉल्व करो अंदर वाले को एक एक करके। इन्फिनिटी एक्स के जगह पे इन्फिनिटी लेंगे, न्यूमरेटर में इन्फिनिटी है तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी टू द पावर माइनस अल्फा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, वंस वी रीच दिस पर्टिकुलर स्टेप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज माइनस अल्फा प्लस टू, माइनस अल्फा प्लस टू, तो एंड व्हाट इज दिस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर माइनस अल्फा प्लस टू। तो आप लोग एक बात सोचो, अगर हम लोग एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डालें, ठीक है, एंड इफ वी से फॉर व्हाट वैल्यू, आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस, टू आंसर मी दिस, कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा इज दिस वैल्यू पॉसिबल, द वैल्यू विच आई हैव हाईलाइटेड, द फ्रैक्शन विच आई हैव हाईलाइटेड, कौन से अल्फा के वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। अगर आप अल्फा का वैल्यू टू से कम होगा, अगर टू से कम होगा तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, बताओ आराम से सोच के बताओ, अगर टू से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो इन्फिनिटी टू दी पर एनी पॉजिटिव नंबर इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को आप कैसे लिख सकते हो इधर, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा वेरियंस, वेरियंस अनडिफाइंड हो जाएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम यहाँ पे इसको अगर टू अल्फा को टू से कम ले लें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, आई एम सो सॉरी, इन्फिनिटी टू दी पार, सपोज अल्फा इज वन, सपोज अल्फा इज वन, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू दी पार वन, यानी कि इन्फिनिटी, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया आपका वेरियंस, तो इसीलिए अल्फा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन टू, यहाँ पे लिख लो अच्छे से अल्फा का वैल्यू, एंड इफ यू कैन नोटिस आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर पेन्स, बिकॉज इवन आई वॉन्ट यू ऑल ऑल्सो टू यूज टू थ्री डिफरेंट कलर पेन्स, ताकि जब आप उसको रिवाइज करो अपने नोट्स को तो आपको क्लियरली समझ में आए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू इज ग्रेटर दैन टू, इज शुड बी ग्रेटर दैन टू, टू से कम होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपना वेरियंस विल बी अनडिफाइंड, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, मैं इसको हटा के यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, आई विल राइट इट ओवर हियर, अल्फा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन टू,
क्लियर है? ओके लेट्स डू, नेक्स्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वी नो दैट अल्फा का वैल्यू इज ग्रेटर दैन 2, तो इसका मतलब कि दिस वैल्यू नाउ बिकम्स व्हाट, नाउ बिकम्स नेगेटिव -3+2, -4+2, -3.5+2, तो वो नेगेटिव हो गया. तो इन्फिनिटी टू द पावर एनीथिंग नेगेटिव क्या हो जाएगा, जीरो. जीरो तो अब हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं. चलो अब जीरो डालो, एक्स की जगह पे जीरो डालो, क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे सबसे पहले. तो सॉल्व करें, इन्फिनिटी वाला पोर्शन हमने हटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टू दी पावर -α+2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलो, 2 - α. ठीक है, ये वाला पोर्शन भी करो. ठीक है, तो इन्फिनिटी लो वापस यहाँ पे, सेकेंड वाले में वापस से जीरो, जीरो आ गया. तो अंदर क्या ले लेंगे, माइनस, दिस विल बिकम 2λ, अगेन लैम्डा टू दी पावर व्हाट, लैम्डा, एक काम करती हूँ मैं इसको ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं ताकि इजी रहे समझने में. 2λ ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, लैम्डा टू दी पावर व्हाट, 1 - α डिवाइडेड बाय 1 - α. क्लियर है ये, एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि हमने इन्फिनिटी वाला तो जीरो ले लिया, ये माइनस अलग है, इंटीग्रल के अंदर एक माइनस साइन अलग आ जाएगा. आराम से सॉल्व करो, अगेन दिस विल बिकम व्हाट, अगेन दिस विल बिकम व्हाट, बताओ, वेरी सिंपल, जीरो ले लो तो लैम्डा टू द पावर -α डिवाइडेड बाय -α. इज इट क्लियर नाउ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा ग्रेटर देन. For all values greater than 2. For all values greater than 2. Clear hai? क्लियर है? आराम से देख लो. अब इसके बाद इसको फटाफट अब सॉल्व करते हैं. अल्फा लैम्डा टू दी पावर अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक काम, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक कैन यू सी वन ट्रेंड. हमारे पास सब जगह अल्फा, लैम्डा टू दी पावर अल्फा है. कैन यू सी दिस ट्रेंड तो हम लोग एक काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले लें लैम्डा टू द पावर अल्फा को. चलो कर लेते हैं, लैम्डा टू द पावर अल्फा को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम लैम्डा अल्फा माइनस अल्फा, सो अल्फा कैंसिल, क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय 2 - α. क्लियर है? अब यहाँ देखो ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या हो गया, 2λ प्लस, ये माइनस साइन बाहर आ गया, प्लस हो गया ये लैम्डा टू दी पावर -α+α, अगेन कैंसिल आउट हो गया. यहाँ क्या बचा, स्क्वायर 2 है, देख लो अच्छे से, मैं और हाईलाइट कर दे रही हूँ फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये बच गया हम लोग के पास डिवाइडेड बाय 1 - α प्लस लैम्डा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय -α है ना, तो हम माइनस बाहर ले लेते हैं, -α. इज इट क्लियर नाउ आई थिंक वी फॉरगॉट अ माइनस साइन इन बिटवीन. यहाँ पे एक और माइनस आएगा व्हेन वी सॉल्व द इंटीग्रल. व्हेन वी सॉल्व द इंटीग्रल हमने इधर पे एक माइनस साइन नहीं लिया, सो दिस विल बिकम प्लस ओनली. देख लो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 2,
देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है? एलसीएम ले, एलसीएम ले। एक और काम कर सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा हमारा? 1 2 माइनस अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, एंड ये क्या हो गया? +1 बाय अल्फा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 2। देख लो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो जल्दी से, -1 माइनस अल्फा अल्फा प्लस 2 2 माइनस अल्फा अल्फा प्लस 2 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा अल्फा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 2। ये लिखना नहीं भूल सकते, बिकॉज अदरवाइज यू विल हैव टू डिफाइन अल्फा, अदरवाइज इट बिकम्स, अदरवाइज द वेरियंस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम्स अनडिफाइंड। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, हमने क्या देखा था, एक्स का वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। हाउ कैन फॉर ऑल द वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव? नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमारा नेगेटिव नहीं जा सकता, तो इसीलिए अल्फा का वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? एंड मैंने बताया था वो इन्फिनिटी वाला रूल ऑल्सो। चलो लेट्स डू, करो आगे का। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो खाली सॉल्व करना है हमें। माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो मुझे बता देना। 2, दिस विल बिकम माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो -3 अल्फा हो गया, -3 अल्फा हो गया, एंड दिस बिकम्स प्लस अल्फा स्क्वायर। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट नाउ? चलो कर लो जल्दी जल्दी। आई एम सो सॉरी, मुझे ये ब्रैकेट ढंग से बनाना नहीं आता, बट इट्स फाइन, आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो करो अब इसको सॉल्व करो। अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। लेट्स, अब हम लोग एक एक करके कट करते हैं सब। आ जाओ देखो यहाँ पे, एक एक करके कट करेंगे। क्या क्या कट हो रहे हैं देखो, वी हैव -2 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, -2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये कट गया चारों, ये कट गया। और क्या कट हो रहा है? वी हैव -अल्फा -3 अल्फा -4 अल्फा एंड वी हैव +4 अल्फा, कट गया। क्या बचा? 2 बचा, 2 बचा खाली। सो सब कुछ कट गया, मतलब कि सही जा रहे हैं शायद, एंड अब तो सही जाते हुए दिख भी रहा है हमें। इज दिस वॉट वी वर ट्राइंग टू प्रूव? बुकलेट, टेबल बुक खोलना एंड चेक फॉर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वेयर। टेबल बुक में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर दिया हुआ है, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि हम लोग सही हैं या नहीं। सो दिस इज वॉट वी वर ट्राइंग टू प्रूव, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। अभी हमने खाली एक पार्ट किया है, हमें वेरियंस प्रूव करना है। क्लियर है? आराम से इसको सॉल्व करो, आराम से इसको सॉल्व करो, कोई हरी नहीं है। नेक्स्ट वील डू वेरियंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेरियंस में।
वेरियंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर है? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, हमने अभी निकाला है, यूज़ कर लेते हैं, 2 alpha lambda square डिवाइडेड बाय 2 minus alpha 1 minus alpha alpha minus. अब बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है. आई वेट फॉर यू ऑल टू सॉल्व इट. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या, हमने कल ही प्रूफ किया है, कल ही निकाले, याद हो जाना चाहिए अभी तक, याद हो जाना चाहिए अभी तक. बताओ क्या होगा. जिनके मन में आंसर आ चुके हैं वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके मन में आंसर नहीं आया, इट्स लैम्डा अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वेर एक्स फॉलोज परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा सॉरी वी हैव लैम्डा वाई अल्फा माइनस वन. ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली वील टेक द एलसीएम जो हम हमेशा करते हैं. एलसीएम ले लो. चलो मैं एक और स्टेप इसमें तोड़ देती हूँ ताकि ये समझ में आए क्लियरली कि किसका एलसीएम लेना है. ठीक है, देख लो. वी ऑल्सो नो वन थिंग वेरी क्लियरली, अल्फा का वैल्यूज शुड बी ग्रेटर दैन 2. इस वाले के लिए हमने ऊपर देख लिया क्यों. चलो इसको सॉल्व करो. 2 alpha lambda square alpha minus 1 minus lambda square 2 minus alpha alpha. चलो क्लियर है. वी कैन डू वन मोर थिंग. हम यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, हम यहाँ पे इसको कट कर सकते थे, अल्फा एंड अल्फा को हम कट कर सकते थे. सो लेट्स रिमूव दैट. अल्फा एंड अल्फा विल गेट कट. ये आया, सो यहाँ पे भी आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे बस हमने एक अल्फा एक्स्ट्रा ले लिया है, अल्फा लेने का मतलब नहीं बनता ना. चलो सेम थिंग, आंसर सही आता बट नो पॉइंट. ठीक है, आ जाओ देखो. 2 minus alpha 1 minus alpha. देख लो, और क्या कर सकते हैं हम. बिफोर रीचिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट एल्स वी कैन डू.
इसको और क्लियरली लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वी हैव अल्फा माइनस वन, यहाँ पे वी हैव वन माइनस अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? टू लैम्डा स्क्वेयर अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखना मैंने क्या किया है, आई जस्ट चेंज्ड द साइंस, मैंने दोनों के माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, मैंने इसके एंड इसके दोनों के माइनस को कॉमन ले लिया, सो इट बिकम्स टू माइनस अल्फा एंड वन माइनस अल्फा था, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, सो इट बिकम्स अल्फा माइनस टू एंड अल्फा माइनस वन, इज इट क्लियर? सिंपल, मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट हैव जस्ट टेकन द माइनस साइन कॉमन, सो दैट वी कैन टेक द एलसीएम इजीली। अब हम एलसीएम इजीली ले पाएंगे, अब हम एलसीएम इजीली ले पाएंगे, देख लो, टू लैम्डा स्क्वेयर अल्फा माइनस वन, अब इजीली ले पाएंगे ना, अब इजीली ले पाएंगे एलसीएम माइनस लैम्डा स्क्वेयर अल्फा माइनस टू, अब ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट माइनस साइन कॉमन लिया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा ग्रेटर देन टू, देख लो व्हाट आई हैव डन, देख लो एक बार अच्छे से आराम से, अब बस ब्रैकेट ओपन करो, टू टू लैम्डा स्क्वायर अल्फा माइनस टू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अल्फा प्लस टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस विल बी स्क्वायर, क्लियर है? कुछ कटते हुए दिख रहा है, कुछ कटते हुए दिख रहा है, ये कट गया, चलो तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर, देख लो वेरिएंस ऑफ एक्स हमने प्रूव किया, यही था एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने वेरिएंस लिया था, क्या यही था वेरिएंस, क्या यही था वेरिएंस, यही हमने प्रूव किया, यही हमने प्रूव किया, सो वी हैव प्रूव्ड वेरिएंस ऑफ पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन, पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन का हमने क्या क्या प्रूव किया है, वी हैव प्रूव्ड द सीडीएफ, we have proved expectation of x which is mean, we have proved a common integral, humne ek prove kiya tha that we'll use in the reinsurance chapter, and humne kya prove kiya hai, expectation of x square and variance of x, so all these we have seen how to solve for a pareto distribution, for a pareto distribution, clear है, clear है, now loss distributions में हमने log normal देखा, हमने Pareto देखा, now next we'll see is the two new distributions जो आपने नहीं सुना होगा पहले, तो उसका खाली हम जस्ट समझेंगे कि क्यों हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हैं, एंड यू मे फाइंड दोज इन द मटेरियल व्हेन यू गो थ्रू द पेजेस, फ्लिप थ्रू द पेजेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैप्टर रीड करो वंस वी कंप्लीटेड इन द क्लास, गो थ्रू द नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द नोट्स, ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज बर डिस्ट्रीब्यूशन, this is the third distribution which we are going to do, which is Burr distribution, which is Burr distribution, ठीक है, Burr distribution, अब क्या होता है देखो, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बोलते हैं कि इफ एक्स फॉलोज परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा स्क्वायर, इफ वी से दिस कि परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा स्क्वायर हमारा एक्स फॉलो करते हैं,
तो उसका एफ एक्स क्या होता है, उसका एफ एक्स क्या होता है, वॉट इज द एफ एक्स, वॉट इज द एफ एक्स, सी डी एफ 1 माइनस लैमडा डिवाइडेड बाय लैमडा प्लस एक्स का होल टू द पावर अल्फा, ये होता है, ये होता है सी डी एफ फॉर बर डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर बर डिस्ट्रीब्यूशन इफ आई से दैट एक्स फॉलोज बर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका एफ एक्स, उसका सी डी एफ लुक्स समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस लैमडा डिवाइडेड बाय लैमडा प्लस एक्स टू द पावर, आई एम सो सॉरी, लेट मी जस्ट, एक्स टू द पावर वन माइनस लैमडा डिवाइडेड बाय लैमडा प्लस एक्स टू द पावर गामा होल टू द पावर अल्फा फॉर फॉर गामा ग्रेटर देन 0. सो दिस इज माई गामा, दिस इज माई गामा एंड चेंज खाली ये पोर्शन हुआ है अगर आपको दिख रहा है तो. इन द बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव अ न्यू पैरामीटर गामा, तो हमने क्या किया, द सी डी एफ रिमेन्स द सेम, जस्ट दैट एक्स टू द पावर गामा, गामा एक नया पैरामीटर ऐड कर दिया हमने. तो एक चीज लिखो अगेन, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो वी हैव फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, द एक्स वैल्यूज आर ग्रेटर दैन 0, द एक्स वैल्यूज आर ग्रेटर दैन 0 इन द बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल. तो एक लाइन लिखो, दिस इज नोन एज, ये जो हमने इधर पे बनाया, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म्ड परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्म्ड परेटो डिस्ट्रीब्यूशन और बर डिस्ट्रीब्यूशन, और बर डिस्ट्रीब्यूशन द एडिशनल पैरामीटर, द एडिशनल पैरामीटर, वॉट इज द एडिशनल पैरामीटर विच वी हैव ओवर हियर, द एडिशनल पैरामीटर इज गामा. ठीक है, मैं गामा हल्का ऐसा लिखती हूँ, ठीक है, और यू मे राइट इट एज लाइक दिस एज वेल. ठीक है, सो द एडिशनल पैरामीटर गामा एड्स एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी, एड्स एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन अ फिट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, व्हेन अ फिट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, व्हेन अ फिट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड. बेसिकली ये एक और, जितना पैरामीटर्स वी कीप ऑन एडिंग टू आर डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या करते हैं, हम और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं. इन द सेंस क्या, अगर जितने ज़्यादा, व्हाट वी हैव लर्नड इन CS1 कि जितने ज़्यादा पैरामीटर्स हम एक डिस्ट्रीब्यूशन एक मॉडल में लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम उसका ज़्यादा मॉडल को बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं, करेक्ट. तो जब आप 2 पैरामीटर से वी आर मूविंग टू 3 पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर एडिंग एन एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी टू द मॉडल टू एडजस्ट फॉर एडिशनल एडिशनल वेरिएबिलिटीज, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा. इसीलिए इसको हम या तो ट्रांसफॉर्म्ड परेटो बोलते हैं या तो हम बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं विद एन एडिशनल पैरामीटर ऑफ गामा, वे गामा का वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर दैन 0. ठीक है, दिस इज बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको कॉपी कर लो जल्दी से, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन. वेबुल
सो दिस इज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन विच वी आर गोइंग टू लर्न, जो आपने CS1 में नहीं किया होगा. ठीक है, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का वन माइनस सी डी एफ या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो सकते हैं बताओ. वॉट इज वन माइनस सी डी एफ x greater than x. For Weibull distribution, this is exponential minus lambda x to the power gamma. So there is an additional factor gamma for gamma greater than 0. This is the 1 minus CDF or probability of x greater than 0 for a Weibull distribution. ठीक है, so this is a Weibull distribution. आपको एक्सपोनेंशियल का याद है क्या होता था? फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वॉट वॉज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन x, विच इज 1 माइनस CDF. CDF क्या होता था? 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. सो दिस बिकम्स एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0. दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल एंड फॉर परेटो. वी हैव टेबल बुक खोलो सब लोग. एक्स ग्रेटर देन एक्स क्या होगा? अभी हमने किया ऊपर 1 माइनस सी डी एफ, हमने सी डी एफ लिया था, यहाँ पे हम 1 माइनस सी डी एफ बोल रहे हैं. क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा. नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थ्री. आपको एक चीज़ तो नज़र आ ही गया होगा, देर इज एन एडिशनल पैरामीटर गामा. तो क्या हम बोल सकते हैं, इफ आई आस्क यू, इफ गामा इज इक्वल टू 1, तब क्या वेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? फॉर गामा इक्वल टू 1, वेबल बिकम्स एक्सपोनेंशियल. दिख रहा है दोनों का? 1 माइनस सी डी एफ सेम हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा एक्स हो जाएगा. तो लिख लो, वेन गामा इज इक्वल टू 1, एंड हमें पता है गामा के वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो व्हेन गामा इज इक्वल टू 1, वेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और वेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज केस नंबर 1. नाउ केस नंबर टू फॉर वैल्यूज ऑफ गामा ग्रेटर देन 1. For values of gamma greater than 1, likho the upper tail of Weibull distribution is lighter than that of exponential. थर्ड वाला लिखो, फॉर गामा का वैल्यूज लेस देन वन मतलब 0 से 1 के बीच में, बिकॉज वी नो दैट गामा का वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो फॉर गामा लेस देन 1, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेल, या फिर ऐसे लिखो, इट इज अ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन with
विथ टेल, इंटरमीडिएट इन वेट, इंटरमीडिएट इन वेट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड परेटो, इंटरमीडिएट इन वेट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड परेटो. सो बेसिकली क्या हो रहा है, व्हेन गामा इज वन देन वेबुल बिकम्स एक्सपोनेंशियल व्हेन इट इज ग्रेटर देन वन. तो जो अपर टेल है, जो राइट टेल है ऑफ द वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइटर देन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड व्हेन इट इज लेस देन वन देन इट इज अ इंटरमीडिएट, द टेल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड परेटो. ठीक है, क्लियर है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच वील सी इन CS2 अलॉट. ठीक है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. मैंने चार मेजर डिस्ट्रीब्यूशन आपको कराए हैं जो यहाँ पे काम आएगा. मेजर वन आर लॉग नॉर्मल एंड परेटो. मैंने बर और वेबुल भी करा दिए, दिस इज देयर इन द मटीरियल. सेम आपको खाली रीड करना है, एवरी थिंग इज डिस्कस्ड इन द क्लास. सो दीज वर द फोर डिस्ट्रीब्यूशन विच आई हैव टॉट यू. अगर आपको लिखना है तो आप इसका ओके सो लेट्स कीप इट टू टिल हियर. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द टेबल वंस, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द टेबल वंस, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द टेबल वंस एंड यू अंडरस्टैंड दैट क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नाउ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ थ्री पैरामीटर्स. ठीक है, तो वो आप इज ऑफ टू पैरामीटर्स. मैं लिखा देती हूँ, इट्स बेटर दैट आई मेक यू ऑल राइट. लिख लो, what is CDF of Weibull distribution? 1 minus exponential, 1 minus exponential minus, तो यहाँ पे lambda लिया मैंने, यहाँ पे lambda लिया मैंने. अगर आप को रीडिंग देखो, अगर आप टेबल बुक देखो तो C लेते हैं उन लोग. ठीक, इज द सेम थिंग, C लेते हैं. C x to the power gamma, सी एक्स टू द पावर गामा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर दैन जीरो. दिस इज द सी डी एफ. द पी डी एफ इज सी गामा एक्स टू द पावर तो ये मेरा गामा है. ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ. एक्स टू द पावर गामा माइनस वन, गामा माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस सी एक्स टू द पावर गामा. ठीक है, सो दिस इज द सी डी एफ ऑफ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो. क्लियर है, को रीडिंग में टेबल बुक में आपको सी दिखेगा. मैंने यहाँ पे लैम्डा लेके समझाया जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे वी कैन कंपेयर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस टुगेदर. ठीक है, तो ये पूरा हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस है. इन द नेक्स्ट क्लास, अभी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, वी हैव वन मोर क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम अ न्यू टॉपिक एंड दैट विल बी द एंड ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो चार डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, लॉग नॉर्मल, परेटो, वेबुल एंड बर. आई एक्सप्लेन वेबुल को हम बर को और हम क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म्ड परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. एंड वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन हमने किया, कंपैरिजन विद एक्सपोनेंशियल एंड परेटो. ठीक है, दिस इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम फॉर डिफरेंट क्लेम अमाउंट्स, फॉर डिफरेंट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू मॉडल डिफरेंट लॉसेज फॉर डिफरेंट कंपनीज. ठीक है,